बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप पे और हमारे देखने वाले तमाम जो नाज़रीन हैं बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ तफसीलन चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ है जो अभी एशिया कप ख़त्म हुआ है कल, एशिया कप के अख्ताम के बाद उसके कुछ अहम जो हैं स्टार्ट उस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। हाईएस्ट रन कैटर जो हैं उनके एशिया कप के, उस पर सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान रहे। 6 मैचों में 6 इनिंग्स के खेली तो 81 रन बनाए, 78 हाईएस्ट था उनका नॉट आउट, 3 50 शामिल थी। इस तरह वो इस टूर्नामेंट के टॉप रन कैटर थे। इसके बाद विराट कोहली इंडिया से उनका ताल्लुक है, 5 मैच खेले, 5 इनिंग्स खेली तो 76 रन बना पाए, 1 सेंचुरी और 2 50 उनके स्कोर में शामिल हैं, 122 रन नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर था। तीसरे नंबर पे इब्राहिम जादरान मौजूद थे जिन्होंने 196 रन बनाए 5 मैचों की 5 इनिंग्स में, 64 रन नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर था। और इस तरह ये टॉप 3 बैट्समैन थे। इसके बाद चलते हैं जी टॉप बॉलरों की तरफ। 11 विकेट 5 मैचों में हासिल करने में कामयाब रहे भुवनेश्वर कुमार इंडिया की जानिब से, और मधुशंका डी सिल्वा जो हैं श्रीलंका के, उन्होंने 6 मैचों में 9 विकेटें हासिल की, और मोहम्मद नवाज़ भी 6 मैचों में 8 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह ये टॉप 3 इसके बॉलर थे। और 3 कैचेस पकड़ के और 3 ही कैच पकड़े रहमानुल्लाह गुरबाज ने, और 3 ही पकड़े मेंडस और रिजवान ने। तो यह जो है अपना टॉप विकेट कीपर एशिया कप के। उसके बाद आउटफील्ड में जो फील्डर थे वो इफ्तिखार अहमद, 6 मैचेस में 5 कैच पकड़े उन्होंने आउटफील्ड में। निशंका ने भी 5 कैच पकड़े, और आवेश खान ने इंडिया के 2 मैचों में 3 कैच पकड़े। तो इस तरह ये आउटफील्ड के अच्छे खिलाड़ी थे जो नुमाया फील्डिंग का मुजाहरा करने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी रन के हिसाब से जो फतह थी वो पाकिस्तान को मिली 155 रन से हांगकांग के मैच में। हांगकांग के खिलाफ 194 का टारगेट था जिसमें हांगकांग 38 रन पर आउट हो गया था। उसके बाद दूसरी रन के हिसाब से हाईएस्ट जो है वो पता वो भारत के नाम रही 101 रन से अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी सुपर फोर के लीग मैच में। तो उसके बाद विकटों के हिसाब से 8 विकटों से फतह हासिल की अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में, और 7 विकटों से फतह हासिल की बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में। तो इस तरह जो है ये विकटों के सबसे ज़्यादा मार्जिन से फतह थी। इस एशिया कप में सबसे हाईएस्ट टीम टोटल जो था वो 212 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से था, और पाकिस्तान ने 193 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे हांगकांग के खिलाफ। तो ये भी ये दूसरा हाईएस्ट स्कोर था, जबकि 192 रन इंडिया ने बनाए हांगकांग के खिलाफ, तो ये तीसरा हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का शुमार हुआ। आखिर में बात कर लेते हैं तमाम विकटों की पार्टनर हाईएस्ट पार्टनरशिप है एशिया कप के। इन तमाम जो है तमाम विकेट्स पर पहली से 10वीं विकेट तक हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड
पहली विकेट पे 119 रन का कोहली और केएल राहुल के दरमियान अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया की जानब से 119 रन। दूसरी विकेट पे 116 रन रिजवान और फखर जमान की जानब से हांगकांग के खिलाफ 116 रन बना के। तीसरी विकेट पे हाईएस्ट स्कोर 98 रन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के दरमियान। इसके बाद चौथी विकेट पे है 69 रन का इब्राहिम ज़ादरान और नजीबुल्ला ज़ादरान के दरमियान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में। पांचवी विकेट पे है राजापक्सा और शनाका का 64 रन की। छठी विकेट पे है 58 रन की राजापक्सा और प्रथम डे सिल्वा के दरमियान फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर सातवें विकेट पर राजापक्सा और चमीरा करुणा रत्ने के दरमियान 54 रन की है, यह भी फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनी। 33 रन की विकेट इब्राहिम ज़ादरान और मुजीबुर रहमान के दरमियान रही 33 रन की। और नौवीं विकेट पर 24 रन की रही इब्राहिम ज़ादरान और फरीद अहमद के दरमियान इंडिया के खिलाफ दोनों आठवीं और नौवीं। चमीरा करुणा रत्ने और मधु शंका के दरमियान 30 रन की विकेट थी अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी विकेट पे। ये इस तरह एशिया कप के आदाद शुमार थे। मैन ऑफ द सीरीज का जो एजाज है वो वनिंदु हसरंगा को दिया गया, जबकि एशिया कप का जो मैन ऑफ द फाइनल थे वो भानुका राजापक्से को करा दिया गया था। तो इस तरह यह एक अच्छे टूर्नामेंट का अच्छे तरह से आगाज़ हुआ और अच्छी तरह से ही उसका इख्तिताम हुआ। तो इसके बाद नाज़रीन हम अपनी तवज्जो थोड़ी सी चलते हैं पाकिस्तान से। पहले इंडिया की टीम ने आज क्रिकेट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है T20, उसके लिए अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो उनके स्क्वाड में कोई ज़्यादा तब्दीलियां नज़र नहीं आएंगी, बस वही जो सब सोच रहे थे एक दो तब्दीलियां उनकी बनती थी वही उन्होंने की हैं। उन्होंने उनके कैप्टन रोहित शर्मा हैं, वाइस कैप्टन KL राहुल हैं, विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, दीपक हुडा हैं, इनको अपना वो जो इनका स्पिनर जख्मी हुए हैं उसकी जगह रखा गया है। इनकी सर्जरी हुई है अभी जडेजा, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दो विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल। अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, वहाँ पे आप एक दो तीन स्पिनर लेके जा रहे हैं स्पेशल। जसप्रीत बुमराह हैं, वैष्णव कुमार हैं, हर्षल पटेल हैं और अजदीप सिंह हैं। तो यह इंडिया ने अपनी मजबूत टीम उतारी है, जो कि बुमराह के आने से काफ़ी जो है मजबूत हो गई है उनकी बॉलिंग लाइन, बॉलिंग अटैक जो है। तो बाकी देखते हैं आगे, बाकी टीमों का ऐलान भी होता है तो फिर उस पर भी नज़र दौड़ाएँगे। एशिया कप में खेलने वाली टीम में और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की जो मुमकिना टीम हो सकती है वो, या जो आप उसको कह सकते हैं जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, उस पे मुतल्लिक थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए तो उसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो हम ज़रा टीम के, चले मैं नाम ले देता हूँ पहले जो मेरे ख्याल में 15 खिलाड़ी होने चाहिए और उनमें से मैंने इस टीम में से जिन खिलाड़ियों को निकाला है और डाला है उनकी मैं 11 फरवरी 2021 से एशिया कप के अख्ताम तक की जो उनकी कारकर्दगियाँ हैं उसके ऊपर जो उनकी कारकर्दगी रही है परफॉर्मेंस उस पे हम ज़रा परफॉर्मेंस बेस पे बात करेंगे, तनकीद बरए तनकीद नहीं करनी हमने। तो टीम मेरे नज़दीक वर्ल्ड कप के लिए, ये मैं 17 तकरीबन खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूँ जिनमें से 15 इन्हीं में से होने चाहिए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शताब खान, हैदर अली, आरएस रऊफ, शान मसूद, इमाद वसीम, शोएब मलिक, इन दोनों में से आपको एक लाजमी चाहिए। मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह,
उस्मान कादर, शाहनवाज दानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हारिस, सरफराज अहमद और शर्जील खान। शर्जील खान का भी जैसा कि मैं जिस वक्त अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस दौरान उनका नेशनल T20 का मैच अभी चल रहा है और सिंध की टीम चेस कर रही है। और आज के मैच में अभी तक चेस शर्जील खान ने बहुत अच्छी की है। अभी तक वो 51 बॉलों पे 86 रन बना चुके हैं और वो क्रीज पे मौजूद हैं, नो डाउट है। तो 159 रन का टारगेट दिया गया था सिंध की टीम को, तो उसके जवाब में ये अभी शर्जील खान आज बहुत शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो इनको ओपनिंग में नहीं तो आप वन डाउन जिधर आप फखर को खिला रहे हैं वहाँ खिला सकते हैं, लेकिन जब आपकी ओपनिंग बाबर आजम और वो फेल हो रहे हैं मुसलसल तो इनको चाहिए कि अब इनको मौका दे देना चाहिए। शर्जील खान और शान मसूद वगैरह जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, और नाजरीन ने नोट किया होगा कि मैंने अपनी टीम में 2 विकेट कीपर 3 विकेट कीपर का नाम लिया है। रिजवान तो आपके वाइस कैप्टन मतलब वाइस कैप्टन कह लें या कैप्टन कह लें, नहीं है वाइस कैप्टन, शादाब खान है, लेकिन फिर भी वो अभी आपके कंसिस्टेंट एक ही बंदा है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो उस सूरत में अब शर्जील उनको तो लेके जाना ही जाना है। मोहम्मद हारिस ने भी आज के मैच में अपने नाजरन के खिलाफ जो उनका मैच था KP का, उसमें शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। उसके बाद देखा जाए तो सरफराज अहमद जो हैं सिंध की तरफ से आज दोनों पूरे टूर्नामेंट में अपना बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी दोनों शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, और बैट के साथ भी और क्लब्स के साथ भी। तो मोहम्मद आरस जो है आप उनको भी लेके जा सकते हैं, बतौर ओपनर भी खिलाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में आपको लाजमी 2 विकेट कीपर लेके जाने पड़ेंगे साथ। अच्छा जी, आप इस टीम में से जो मैंने खिलाड़ी निकाले हैं इफ्तिखार अहमद, उनकी आप कारकर्दगी आ जाए, ये 2 डाउन आके खेलते रहे हैं मुसलसल तकरीबन इस अरसे में। सर इसमें 1-2 मैच ही ऐसे होंगे या 3 मैच ऐसे होंगे जिसमें वो दूसरे 2 डाउन से नीचे खेले हैं। 11 फरवरी 2021 से 11 सितंबर 2022 तक के मैं अदा शुमार उनकी बैटिंग आपको उनका स्कोर बता देता हूँ, उन्होंने अपनी इस अरसे में कितना स्कोर किया है। तो 4 स्कोर 20 6 7 32 1 13 28, अगले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, 2 30 13 और ये फाइनल में जो 32 रन किए। अब एशिया कप में इन्होंने 5 मैचों में 105 रन किए, 32 हाईएस्ट स्कोर था, 26.25 के एवरेज से और 100.96 का स्ट्राइक रेट था और 103.21 का इनका एवरेज रही है टोटल। इसी अरसे में फखर जमान 6 मैच खेले, 96 रन बनाए, 53 उनका हाईएस्ट स्कोर था, 16 की एवरेज थी और 103 का स्ट्राइक रेट था, 1 50 में होते। और फखर जमान के 11 फरवरी 2021 से लेके 11 सितंबर 2022 तक के अरसे की परफॉर्मेंस में 27 मैच उन्होंने खेले, 511 रन बनाए, 60 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, 21.29 की एवरेज, 121.66 का स्ट्राइक रेट और 4 फिफ्टियाँ शामिल हैं उनकी सिर्फ। तो ये इस तरह कारकर्दगी शर्जील खान के भी आज का मैच छोड़ के अगर आप देख लें तो 127 रन बना रखे हैं उन्होंने और 7 मैच हो चुके हैं, उनका 49 हाईएस्ट था, अभी 85 पे वन आउट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं आसफ अली, यही 11 फरवरी से 11 सितंबर के अरसे में 16 मैच खेले, 145 रन बनाए, 27 इनका हाईएस्ट था, 12.86 157 का स्ट्राइक रेट, एशिया कप में
पांच मैच खेले 41 रन बनाए 16 8020 की एवरेज 164 का स्ट्राइक रेट। लेकिन स्ट्राइक रेट का हम क्या करें जब फाइनल में जहां पे आपको ज़रूरत थी उनकी, दोनों फाइनल और श्रीलंका से पिछले मैच में दोनों में जीरो अपना 0-0 पे पहली बॉल पे आउट हुए। क्विंटल शाह भी इसी अरसे के दौरान 11 मैच खेले 147 रन 35 रन हाइएस्ट जो इनका हांगकांग के खिलाफ था, और 14.50 की एवरेज, तो 16-17 की एवरेज है। तो ये कोई खास समझ नहीं आती इनको, अब आगे खिलाने की तो बनती नहीं है। अब आगे भी अगर खिलाएंगे इफ्तिखार और कुछ दिल को और आसिफ को, तो फिर आप वर्ल्ड कप खेल को भूल जाएँ और फिर ये आप लोग भूल जाएँ कि ये पाकिस्तान की टीम है। फिर आप लोग ये समझ लें कंफर्म कि ये जो है आपकी अपनी दोस्ती यारी ग्रुप है इनका, लाहौर के इनके बाबर के मल्लेदारों की टीम है, रिश्तेदारों की दोस्तों यारों की टीम है, ये फिर पाकिस्तान की टीम नहीं रहेगी अगर आप डिजर्विंग खिलाड़ियों का नहीं खिलाएंगे। आखिर में चलते चलते मैं आपको आज के नेशनल टी20 कप का, आज से डे नाइट मैचेस का आगाज़ हो गया। पहला होने वाला डे नाइट मैच नादरन का मुकाबला था खैबर पख्तूनख्वा से। नादरन ने 152 रन किए, ज़ीशान मलिक ने 52 स्कोर किया 40 बालों पे, और मुबशर खान ने 22 रन किए 17 पे। मोहम्मद इमरान सीनियर ने 3 विकटें हासिल की और एहसान उल्लाह ने भी 3 विकटें हासिल की के पी की जानब से। जवाबी इनिंग में मोहम्मद आरिफ ने 17 बॉलों पर 41 रन बनाए और आदिल अमीन 33 रन बना के आउट हुए 30 बॉलों पर। मेहरान मुमताज़ ने 20 रन बनाए, जमान खान ने 20 रन के बस मेहरान मुमताज़ ने 3 विकटें हासिल की और जमान खान ने 2 विकटें हासिल की 31 रन के बस। ये मैच मैं लाइव देख दिखाया जा रहा था तो देख रहा था, तो यह मैच जो है केपी की टीम अपने कप्तान खालिद उस्मान की नाअहली की वजह से आ रही है। आखिरी ओवर में इन्होंने 6 रन से हारे हैं, ये 3 बॉलों पर लगातार इन्होंने सिंगल लेने से इनकार किया, जबकि 2 जगह वहां पर डबल बनता था आराम से भाग के। तो यह इस तरह खुदगर्ज गेम से निकलना पड़ेगा टीमों को, आगे भी कप्तान उनका कोच के कप्तान को सोचना पड़ेगा कि ये जब बंदा खेलता है तो टीम के लिए खेलना होता है, अपने ज़ाती स्कोर या उसके लिए नहीं खेला जाता। तो ये चीज़ आगे देखनी पड़ेगी आगे के मैचों में चल के इनको। तो उम्मीद है कि टूर्नामेंट अब आगे जैसे बढ़ेगा तो इस चीज़ पे और आइंदा, क्योंकि यही मौका होता है खिलाड़ी को कुछ उसकी गलती समझाने का या सिखाने का, तो वो जो यहाँ पर सीख के जाएगा। अब खालिद उस्मान एक सीनियर खिलाड़ी है, कोई मतलब यंगस्टर नहीं है, 26 बॉलों पे 28 रन बनाए हैं उसने आज भी, लेकिन वो यहाँ पे मैच रहने का पूरा। और खालिद उस्मान 36 साल 195 दिन उनकी उम्र है और T20 73 खेल चुके हैं और फर्स्ट क्लास 105 मैच खेलने का एजाज रखते हैं। तो इनको खैर इतना क्या समझाना है, लेकिन इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जी अपना जो है हमारे जो है अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने या अपने टीम को ऐसा मजबूत करना चाहिए कि अपने साथ वाले प्लेयरों पर भी आपको एतबार रखना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।